राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बैनर तले मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम फाइट द बाइट अभियान के तहत 16 मई से दुर्ग जिले के समस्त नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायत में डेंगू की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले के समस्त नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायत में डेंगू की रोकथाम हेतु भारत सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को किया जाना है। इसके अंतर्गत उपरोक्त समस्त विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र अंतर्गत कार्य किए जाने हेतु मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम फाइट द बाइट किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी माइक्रो प्लानिंग की सूची भी बनाई गई है। इसके संबंध में गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक बुलाकर डेंगू की रोकथाम पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला मलेरिया कार्यालय दुर्ग को नियंत्रण रूम बनाते हुए विभिन्न गतिविधियों पर कार्य किए जाने निर्देश दिए गए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, जो डेंगू होता है वो बीमारी जो होती है वो मच्छरों से ही होती है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है फाइट द बाइट, मच्छर के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम बनाया है। उससे बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम भी हम कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये भारत सरकार भी यही चाहती है कि हर जगह, अब चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह में मच्छर उन्मूलन के लिए फाइट द बाइट कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार का और हमारे कलेक्टर मैडम का भी यही कहना है कि हम इसको ज़ोर शोर से शुरू करें, और आज हमने इसके लिए बड़ी मीटिंग भी ली है और क्षेत्र के सभी लोगों को बताया है कि हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे साथ जो दूसरे विभाग के भी लोग हैं उन लोग भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे नगर निगम के सभी कर्मचारी लोग साथ में देते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी साथ में काम करते हैं, हमारे यहाँ के मलेरिया वर्कर लोग पूरा काम करते हैं, हमारी की ANM और मितानिन लोग भी साथ में काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि कहीं पे कचरा जमा ना हो, और इसके लिए हम IC कंपेयर प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नियंत्रण पहले ही बता देंगे लोगों को तो नियंत्रित हो जाएगा। तो इसके लिए हम FM रेडियो का भी माध्यम से प्रचार करते हैं, कचरा गाड़ी जितनी रहती है उसमें डेंगू का प्रचार करवाते हैं, यातायात और उसमें भी डेंगू का डिस्प्ले किया जाता है, और हमने सभी सिनेमा घर मॉलों में भी बोला हुआ है कि यहाँ पे भी एक एक स्लाइड डेंगू के बारे में और मच्छर उन्मूलन के बारे में बताएं। अभी हम ये देखते हैं कि कहीं पे भी अगर हमको ये पता चलता है कि आसपास में अगर कचरा बहुत जमा हो गया है, जैसे फल लोग खाते हैं और वहीं डाल देते हैं और तो मच्छर लोग वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, पानी जमा रहता है कूलर के नीचे, फ्रिज के नीचे जो ट्रे रहती है उसमें भी लार्वा जमा हो जाता है, ऊपर की टंकी अगर बहुत दिनों तक सफ़ा मत हो या टायर रहे उसमें पानी जमा हो जाता है, तो इन सब जगह में अगर पानी कभी जमा होगा तो वहाँ पे लार्वा पैदा हो जाएंगे, वहाँ पे मच्छर जरूर पैदा होंगे। तो जब तक हम इनका उन्मूलन नहीं कर देंगे, और हमारी आगे का यह भी प्लानिंग है कि अगर कभी किसी को इस तरीके की बीमारी होती है तो हम सबसे पहले उसके लक्षणों को देखते हुए तुरंत हमारे सभी शासकीय अस्पतालों में उसे भर्ती करने की सुविधा है, OPD की सुविधा है, और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले भी हमें तुरंत अपना हमारा ग्रुप बना हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, उसमें उस ग्रुप में उन लोग खबर कर देते हैं कि ये मरीज हमारे यहाँ पे भर्ती है, हम उसकी देख रेख करते हैं। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि लोगों के बीच में डेंगू का प्रचार प्रसार ना हो, लोग जो है डेंगू से बच करें और उसके बारे में जाने। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।